SRM टुडे, शहर की आवाज। भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में प्रवाहित होने वाली शिवना मैया की दयनीय स्थिति के चलते कलेक्टर एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें शिवना शुद्धिकरण हेतु आदेश दिए गए। लंबे समय से शिवना मैया को शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शिवना मैया फिर भी मैली की मैली ही नजर आ रही है, क्योंकि शहर के गंदे नाले आकर इस पवित्र नदी में मिल जाते हैं। इसी को लेकर कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा अधिकारियों की टीम के साथ शिवना मैया का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि नालों का पानी नदी में मिलने से प्रदूषण फैल रहा है और नदी का जल दूषित हो रहा है, लेकिन इसके लिए अब जल्द ही पाइपलाइन बिछाकर नालों का पानी दूर प्रवाहित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 12 करोड़ की योजना बनाई गई है, साथ ही निकाय निधि से 20 लाख की पाइपलाइन 200 मीटर तक बिछाने हेतु कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अमृत योजना के तहत सीवर लाइन सेंस हुई है, जिसमें लाइन डालने के बाद ही पुनः शुद्धिकरण हो पाएगा। आज शिवना का निरीक्षण किया गया है, काफी गंदी हो चुकी है यहाँ पर शिवना नदी, पूरी मेली हो चुकी है, गंदे नाले का पानी भी इसके अंदर मिल रहा है। सर, इसको हटाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने यहाँ की आम जनता के सहयोग से एक अभियान चलाया था, जिसमें शिवना का चौड़ीकरण किया था, और जहाँ चौड़ीकरण किया है वहाँ निश्चित रूप से अभी भी काफ़ी अच्छी सौंदर्यीकृत नदी है। पर छोटे पुल के बाद हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि एक करीब 150-200 मीटर लंबा पाइप डालेंगे, जिससे गंदा पानी नदी के इस भाग से बाहर निकल जाएगा। पर बारिश आ जाने के कारण वो काम नहीं हो पाया था, और आज हम लोगों ने यहाँ देखा तो वास्तव में काफ़ी ख़राब स्थिति है। पानी छोटे पुल के पास में पूरा भर रहा है और बदबू भी आ रही है। तो नगर पालिका के सभी लोगों को बुलाया है, इसका टेंडर हो चुका है, और हमने ये कहा है कि ठेकेदार को बुला के किसी भी हालत में इसको 4-5 दिन के अंदर काम शुरू करें। तो सबसे पहले अभी एकदम पानी तो अलग नहीं होगा, पहले उसके लिए जहाँ पाइप डलना है उस क्षेत्र में बंड बना के वहाँ पे पाइप डालने का काम शुरू किया जाएगा। पाइप निश्चित रूप से 1 या 1.5 महीना लगेगा, ये डल जाएगा तो फिर ये गंदा पानी सीधा इस नदी से
करीब 200 मीटर आगे चला जाएगा और ये एरिया ठीक हो जाएगा। देखिए, शुद्धिकरण शिवना का दो तरह से होगा। आपके पूरे ज़िले में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन सैंक्शन हुई है, तो पूर्ण शुद्धिकरण तो तब होगा जब सीवर लाइन पूरी डल जाएगी। हर घर का टॉयलेट का पानी सीवर में जाएगा, सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर होगा और शुद्धिकरण होगा और फिर वो नदी में आएगा। ये तो है फाइनल स्थिति, जिसमें निश्चित रूप से अगर अच्छी तरह से काम चलता है तो 4-5 साल का समय लगेगा। दूसरा एक अस्थायी बात है कि जो नाले हम गिर रहे हैं उसको हम पशुपतिनाथ मंदिर से आगे निकाल के 200 मीटर आगे कर सकें। अभी हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम 200 मीटर आगे तक इस गंदे पानी को ले जाएं और निश्चित रूप से ये काम हम 2-2.5 महीने के अंदर कर सकें। सर, शिवना को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट लेके आया गया, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और कब से काम शुरू होगा और कितने साल में यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा? ये 12 करोड़ की योजना बनाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके लिए घोषणा की गई है। राशि अगर प्राप्त होती है, नगर पालिका को मिलती है, तो इस हिसाब से काम चालू किया जाएगा। फिलहाल जो शिवना जो गंदी हो रही है उसके लिए निकाय निधि से एक योजना बनाई गई है, जो करीब 20 लाख की पाइपलाइन डाल के आगे 200 मीटर तक का, जो माननीय कलेक्टर साहब ने कहा है, फिलहाल पानी 200 मीटर आगे बढ़ा दिया जाएगा गंदा, ताकि शिवना शुद्ध बनी रहे मंदिर परिसर में। कब से काम शुरू हो जाएगा? ये 1 सप्ताह के अंदर काम कर। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।